एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बढ़ता मध्य प्रदेश कॉन्क्लेव में। और ये एक ऐसा सेशन है जिसमें एक ऐसे व्यक्ति मेरे साथ बैठे हैं जो शायद मेरे मन में अभी क्या सवाल चल रहे हैं उनको उन्होंने पढ़ लिया होगा। अब जवाब क्या आते हैं तो देखने वाली बात होगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो बिना बताए लोगों की समस्या को पेपर पर लिख देते हैं और उसका फिर सॉल्यूशन देने की कोशिश भी करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका। शास्त्री जी महज 26-27 साल की उम्र और लाखों फॉलोअर्स, इसे कैसे देखते हैं? कभी एहसास हुआ था कि इतनी कम उम्र में इतनी फैन फॉलोइंग हो जाएगी, इतने भक्तगण हो जाएंगे आपके और उनकी समस्या का निदान कर रहे होंगे आप? जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की। इन सब पर कृपा ईश्वरीय कृपा होती है। हम आप कोई नहीं होते हैं जो चुन सकें कि हमें कौन सा कार्य करना है। ईश्वर पहले से चुनता है कि किससे क्या कार्य करवाना है। ये बालाजी की कृपा और साथ में हमारे दादा गुरु का आशीर्वाद। तो बालाजी की कृपा से एक ब्राह्मण परिवार में दास का जन्म हुआ, तो वहां से यह परंपरा पर दरबार की कथा की आदि की प्रारंभ हुई। फिर दादा गुरु ने हाथ पकड़ करके बालाजी के चरणों में लगा दिया, तो निरंतर मानव सेवा में लगे हुए हैं। तो हमें लग रहा कि ये किसी व्यक्ति की सोच से ये कार्य निश्चित नहीं होता, ईश्वर स्वयं निश्चित इसको करके भेजता है कि किससे क्या करवाना है। अभी बहुत सारी चीजें मन में चल रही होगी, इतने सारे लोग सामने बैठे हैं आपके। कभी नहीं, अब आदत हो गई। अच्छा, इससे ज्यादा की आदत हो गई है? हाँ, ज्यादा की आदत हो गई तो कम है। लेकिन लगा जो 2 साल में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। आप कहते हैं कि एक अभाव का जीवन था, प्रभाव का जीवन है, कैसे देखते हैं इसको? और कोरोना के टाइम से सोशल मीडिया आते ही एकदम आप बहुत तेजी से वायरल हुए हैं। दरबार परंपरानु अंतर्गत विगत 3 पीढ़ी से चल रहा। हमारे दादा गुरु जी भी चलाते थे, दरबार लगाते थे, परंतु उस वक्त मीडिया वो नहीं आते थे ना, उसका उपयोग करते थे। हमने दरबार भी प्रारंभ किया दादा गुरु की प्रेरणा की, जो उन्होंने आदेश दिए थे, वह सेवा भी प्रारंभ की। और साथ ही साथ जो आपने कहा है कि 2 वर्ष में यह दरबार बड़ा प्राचीन है, परंपरानु अंतर्गत लोगों तक अब पहुंचा। तो हमें लगता है कि आपकी खोज अब तक हो पाई है, वो पहले खोज कर चुके थे आज से 300 वर्ष पहले। आपने कहा कि ईश्वर की शक्ति है, मैं कुछ नहीं हूं, तो ईश्वर ने आपको क्यों चुना? ये एक जहन में सवाल आता है लोगों के, कुछ रहा होगा। आपके दादा गुरु का आप जिक्र करते हैं, आपका परिवार भी बहुत लंबा है, आप बताते हैं कि आप टोटल 10 भाई हैं। चाचा के मिला? हाँ, चाचा के मिला, कजिन सभी मिला। तो आपको क्यों चुना? ये दादा इस बात पर जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल है। ये गुरु की कृपा है। हम लोग कई बार कोशिश करते हैं, हम लोग कई बार कहते हैं कि हमने गुरु को चुना, पर हकीकत ये होती है कि गुरु स्वयं देखता है कि किसको हमें पकड़ना है। तो 10 भाइयों में गुरुदेव ने हमें पकड़ा, ये हमारा सौभाग्य है। अब इसका जवाब हमसे बेहतर तो हमारे दादा गुरु जी दे सकते थे, लेकिन उनका शरीर तो नहीं है, पर सूक्ष्म रूप में उनके संस्कार हमारे पास हैं। लेकिन इसका जवाब हम यही देंगे कि गुरु की विलक्षण सोच थी, गुरु की कृपा थी, और शिष्य के पास तो सिर्फ समर्पण के अलावा कुछ नहीं बचता, वो हमारे जीवन में है। तो ये जो अभाव से प्रभाव तक की जर्नी रही है, सोचा था कभी ऐसा इस तरह की चीज? सौभाग्य है। हाँ। अभाव का जीवन बड़ा सौभाग्य। अभाव नहीं होता तो शायद आज हम प्रतिदिन अन्नपूर्णा भंडारा का क्रम नहीं प्रारंभ कर पाते। अभाव नहीं होता तो हम अपने जीवन में गरीब बेटियों का विवाह नहीं करवा पाते। तो हमारे लिए सौभाग्य। लाखों लोग भारत में ऐसे हैं जो अभाव से जीवन जी करके, यहाँ पर भी अनेक लोग ऐसे बैठे हैं जो अभाव की जिंदगी जी करके अनेक उच्च पदों पर पहुंचते हैं। हमारे लिए ये वरदान प्राप्त है कि अभाव रहा तो हम आज लोगों की पीड़ा को समझ पा रहे हैं। लेकिन एक चीज आप खुद कहते हैं हमेशा कि अभाव में जब आदमी रहता है तो प्रभु के ज्यादा करीब रहता है। अब तो आप प्रभावी हो गए हैं, लाखों अनुयायी हैं आपके, तो ईश्वर के उतने ही अनुयायी। और प्रभाव बागेश्वर बालाजी का है हमारी सोच में। ठीक, कृपा बालाजी की, प्रभाव बागेश्वर बालाजी का, और अनुयायी भी बागेश्वर बालाजी के। बागेश्वर धाम सरकार हमारा नाम नहीं, हमारा नाम तो धीरेन्द्र कृष्ण है। बागेश्वर धाम सरकार तो बागेश्वर बालाजी का है। तो आज भी हम आयु मान करके चलिए, कल फटा कपड़ा पहनते थे तो आप लोग ये ला करके तान देते हैं तो ये पहन लेते हैं, पर हम आज भी अभाव में जी रहे हैं। उसका सिर्फ सिद्धांत इतना बदल गया, देखने की दृष्टि बदल गई। एक चीज और, कई बार चैलेंज किया गया आपकी इन शक्तियों को, कई बार लोग पहुंचते हैं, उसे किस तरीके से आप देखते हैं? साइंस की कसौटी पर अपनी इन शक्तियों को कहां देखते हैं? देखिए, जब तक मन में किसी भी व्यक्ति के कोई भी संदेह उत्पन्न नहीं होगा तब तक उसका निराकरण नहीं होगा। विज्ञान जहां विराम होता है, अध्यात्म वहां से प्रारंभ होता है।
और रही बात शक्ति की, तो ये पराविज्ञान है। आदिकाल से ऐसे लोग चले आए हैं जिन्होंने भगवान पर, भगवान की शक्ति पर अनेक बार उन्होंने देखना चाहा, परखना चाहा, उसके कसौटी पर कसना चाहा, पर शक्ति शक्ति होती है। और हमारी दृष्टि में जो भी आता है हमें सब स्वीकार है। कृपा करवाने वाले बालाजी हैं, वो अपने आप नतमस्तक करवा देते हैं। उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि नहीं, ये तो माइंड रीडिंग है, केवल आप भूतकाल बता सकते हैं लेकिन कोई भविष्य काल या किसी की समस्याओं का निदान कोई नहीं कर सकता, जो लिखा है उसका वो लिखा है? बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत अच्छी बात। इस पर बहुत लोगों के मन में तर्क रहते हैं। इस पर हम जवाब यह देना चाहते हैं कि कोई शक्ति होती या नहीं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो बागेश्वर बालाजी दरबार है। भविष्य वक्ता कोई इंसान नहीं हो सकता है, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज हैं, वो त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान। हम कभी भी नहीं कहते कि हम भविष्य बताते हैं, भविष्य के संकेत देते हैं जो हमें गुरु कृपा से प्रेरणा में आते हैं, जो गुरु कृपा से हमें लगता है कि ऐसा होगा, उसको हम संदेशा दे देते हैं। अब आप कहेंगे कि विज्ञान के तथ्य में, विज्ञान के जमाने में इसको कैसे माइंड रीडिंग तो नहीं है? देखिए श्रीमान जी, माइंड रीडिंग की एक सीमा है, एक मर्यादा है, उसके बाहर वो नहीं जा सकते हैं। और देखिए कई जगह ऐसी हैं जिनमें एक स्थान बागेश्वर धाम भी है जहां आज भी विज्ञान नतमस्तक है। जब प्रभाव की तरफ जीवन बढ़ता है आचार्य जी, तो कई सवाल उठने शुरू हो जाते हैं परिवार से भी। हमने देखा कि जो दूसरे गुरुजी हैं उनके पास आपके परिवार के लोग पहुंचते हैं, वो गुरुजी उनको कहते हैं कि उन्होंने एक आत्मा को कैद कर रखा है अपने पास जी। तो परिवार से ही सवाल उठ रहे हैं और परिवार दूसरी जगह जा रहे हैं जी। ये सूक्ष्म विचारधारा का प्रभाव है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, ना कोई हमारा किसी से विरोध है, ना विरोधाभास है, सब हमारे अपने हैं। कोई पत्र चढ़ाता, कोई पुष्प चढ़ाता, आत्मा को कैद करके रखा है किसी, ऐसा स्वप्न में नहीं हो सकता। जिनके लिए उन्होंने कहा, आत्मा को कैद करने वाला व्यक्ति हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकता, आत्मा को कैद करने वाला व्यक्ति हनुमान जी की साधना नहीं कर सकता। या तो हनुमान जी नहीं है या आत्मा नहीं है, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आत्मा मतलब भूत, और भूत को बस में करने वाला हनुमान जी की सेवा नहीं कर सकता, हनुमान जी को धारण नहीं कर सकता, हनुमान जी का मुखदर नहीं ले सकता। या तो हनुमान जी नहीं है या आत्मा नहीं है। तो लाखों लोगों को जो समस्या है उनकी तो दूर कर रहे हैं आप, जो परिवार वालों से कभी बात होती है उन्हें समझाने की कोशिश होती है इस चीज को? सामंजस्य है, कोई ऐसा विरोधाभास नहीं, वो किंचित मात्र। कोई दूसरी गद्दी लगाने की भी कोशिश करता है, वो कहते हैं हमें धमकी दी जा रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कई बार आप हो सके तो आप उनसे जरूर बात कीजिए, हमारे पास तो ऐसा कोई भाव नहीं है। अभी हम मिले ही तो कुछ दिन पहले, 8-10 दिन पहले। अगर कोई दूसरी गद्दी लगाना चाह रहा है तो कोई स्वागत है, कोई दिक्कत हम नहीं मिल पा रहे ना, एक महीने में 8-10 लाख लोग आते हैं, सबको मिल नहीं पा रहे। हम तो चाहेंगे अगर आप भी ये छोड़ के चले तो बहुत अच्छा है। ये मोह माया है, आप भी लगाएं तो मोह माया नहीं है, मतलब आप अपना कर सेवा करने के अनेक प्लेटफॉर्म है। कोई राजनीति से मानव सेवा कर रहा, कोई धर्मनीति से मानव सेवा कर रहा है, तो अगर आपको यहाँ कम लग रहा हो तो यू कम हियर बागेश्वर धाम। नहीं, कम ज्यादा की बात, लेकिन एक चीज है, लाखों लोग आते हैं आचार्य जी आपके यहाँ पर, सबको तो आप नहीं सुन पाते, उतना समय भी नहीं होता होगा, तो सबके कष्ट कैसे दूर होंगे? बालाजी हम फिर कहते हैं, हमेशा हमने कहा बागेश्वर धाम पर किसी व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं है, हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। बागेश्वर धाम स्वयंभू हनुमान जी का एक तीर्थ है, जहां हनुमान जी की स्वयं की ऊर्जा है, सन्यासी बाबा की साधना की ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, उससे कनेक्ट होने की जरूरत है, ना कि धीरेन्द्र कृष्ण से कनेक्ट होने की जरूरत है। एक चीज और है, अंधविश्वास का जिक्र बार बार होता है, ये विश्वास और अंधविश्वास की लाइन को आप कैसे खींचते हैं? कभी इसको विराम नहीं किया जा सकता, ये अनवरत चलता रहेगा। अगर अंधविश्वास नहीं होगा तो विश्वास शून्य हो जाएगा, और विश्वास नहीं होगा तो अंधविश्वास शून्य हो जाएगा। विज्ञान नहीं होगा तो पराविज्ञान की चर्चा शून्य हो जाएगी, और केवल पराविज्ञान नहीं होगा तो विज्ञान की चर्चा शून्य हो जाएगी। केवल उजाला हो तो अंधकार की महिमा मिट जाए, उजाले की महिमा मिट जाएगी, और केवल अंधकार हो तो अंधकार की महिमा मिट जाएगी। दोनों का होना जरूरी, रामायण में राम थे तो रामर जरूरी, रामर के बिना रामचरितमानस में राम जी की महिमा नहीं हुई है। जितने आचार्य हैं, संत हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि भगवान को मानिए, उनसे कभी मांगिए मत, उनके प्रति समर्पित हो जाइए। लेकिन अगर इंसान भगवान के प्रति समर्पित हो गया सर बाबा जी, तो आपके पास तो नहीं आएगा वो, आपके पास तो समस्या लेकर ही आता है। हम भी यही चाहते हैं कि सब ईश्वर से समर्पित हों, हम भी अंधविश्वास के खिलाफ मोर्चा खोलें,
दरबार लगाने का ध्येय और सिद्धांत यही है कि इंसान कतई भगवान नहीं हो सकता। तमाम जो संत हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई आदमी खुश रहे, तमाम मोह माया से ऊपर आए, भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा। आपके पास जो आते हैं वो ज्यादातर दुखी लोग ही आते हैं। हाँ, आना भी चाहिए, स्वागत है उनका। हमारी दृष्टि में अब महापुरुषों की बात अलग है, संतों की बात अलग है। संत जो कह रहे हैं वो बहुत ऊंचा ज्ञान है, बहुत अद्भुत ज्ञान है। उस ज्ञान में हमारे जैसे लोग तो पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। हम यही कहेंगे आप जहां हैं जो कर रहे हैं उसी में आप ये मानिए के चलिए कि ईश्वर की कृपा है, बस उनको भजना, उनको धन्यवाद देना बंद मत करिए। एक चीज और, सोशल मीडिया का मैंने जिक्र किया शुरू में कि बहुत अब लोग आपसे वहां पर जुड़ रहे हैं, एक दो साल में और ज्यादा ये संख्या बढ़ी है जी। लेकिन एक चीज ये भी कही जाती है आपके बारे में कि आपको भी पता चल गया है कि सोशल मीडिया पर बने कैसे रहना, और इसके लिए आप एक से एक बयान देते रहते हैं। आप लोगों को कहते हैं कि बुलडोजर खरीद लीजिए घर में। हमारा न्यूज में बने रहने के लिए कोई भी बयान नहीं है, ना हम कभी ये चाहते हैं कि हम फ्रेम में बने रहें या टीवी में बने रहें। बुलडोजर वाले बयान का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो देखिए हमारा वह बयान एकदम अहिंसक था, अहिंसक, उसमें हिंसा को लेस मात्र स्थान नहीं था, उसमें सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए बात की थी। राम हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, पूरे विश्व के पूज्य हैं, और कोई आपके पिता के ऊपर पत्थर मारे, और संविधान ये काम नहीं कर पा रहे हैं। एक मिनट, आपके पिता के ऊपर कोई पत्थर मारे या मारने आ जाए तो उसकी रक्षा करने की आजादी संविधान ने भी दी है, तो हमने सिर्फ रक्षा की। हर घर में बुलडोजर खड़ा हो जाना चाहिए इस हिसाब से। बिल्कुल, अगर आपके पिता पर कोई मारे, पुलिस जब तक आएगी तब तक तो मर्डर हो जाएगा। पुलिस, प्रशासन, सरकार, कानून, कोर्ट, जरूरत नहीं है। जब बाद में फोन लगाएंगे बुलडोजर से पुलिस आएगी, जब फोन लगाएंगे तब आएगी। ये कहा जाता है कि अगर एक कातिल को आप सजा देना चाह रहे हैं, मतलब उसको मार दे रहे हैं, तो आप दूसरे कातिल बन जा रहे हैं खुद, तो ये तो उसी वाली नहीं जा रहे हैं। अहिंसक, हम तो वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा करते हैं। कैसे कैसे अहिंसा कैसे होगी सर? बुलडोजर का पूर्ण रूप हमने बयान दिया। बुलडोजर का मतलब आत्मरक्षा के लिए अपने पास व्यवस्था रखना। अगर तो अगर आपको दिक्कत है कि आपको डर है तो आप क्रेन रख लो। वो भड़काऊ कैटेगरी में नहीं लगा आपको बयान? बिल्कुल नहीं, हिंसा अगर अगर अपनी रक्षा के लिए अगर बुलडोजर रखना अगर जो है भड़काऊ है तो आपको लग रहा है कि ये होते रहना चाहिए। ये समाज अब ऐसा हो गया है कि यहाँ पर जरूरत आन पड़ी है कि भाई हमें बुलडोजर रखना पड़ेगा, हमें अपनी आत्मरक्षा खुद करनी पड़ेगी, इस तरह का समाज आप मान रहे हैं? आदिकाल हमारे भारत वर्ष में तो ये कहा जाता है शांति प्रिय देश। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं तो वो आत्मनिर्भरता अलग है ना। अगर वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो तो हम भी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर बन रहे हैं। नहीं तो फिर इंसान खुद पुलिस बन जाए, ये कहना चाह रहे हैं? इंसान पुलिस नहीं, कानून को हाथ में नहीं लेना, आत्मरक्षा के लिए कोई भी वस्तु रखना। ये गन क्यों दी जाती है? गन का लाइसेंस क्यों दिया जाता है? ये बंद करवाओ, पुलिस के पास तो खुद है। और भी आपके बताइए बताइए अगर हम गलत बोले। और भी बयान है आचार्य जी, आप जो आपके अनुयायी हैं उन्हें पागल कहते हैं। हाँ अच्छा है, क्यों? पागल का मतलब प्रभु को पाकर के जो गल जाए वो पागल। पागल का अर्थ है, पागल को आप उल्टा पढ़ो तो लग पा, प्रभु के चरणों में लग जाओ वो पागल। अपने आप को अछूत कहते हैं आप? अपने आप को अछूत कहते हैं? बिल्कुल, चारों वर्ण हमारे अंदर हैं, शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, धर्म की रक्षा के लिए हाथ उठाते हैं। आप तो कहते हैं जातिवाद का मैं जिक्र नहीं करता, लेकिन आपके चारों वर्ण हमारे अंदर है इसलिए जातिवाद की कोई बात नहीं। तो अछूत कैसे हैं फिर? अछूत कैसे हैं? अपने आप को कहते हैं। क्यों हैं? मतलब मैं वही जानना चाहता हूं। हमें ये लगता है कि हमारी गांव की भाषा है, आप हमें छूना नहीं, हम अछूत हैं। उस वक्त गांव की भाषा में गांव का एक कहावत है, भैया हमें छूना नहीं, हम अछूत हैं। तो गांव की कहावत में वो संबोधित किया था, ना कि अपने आप को अछूत सबसे संबोधित करके या किसी व्यक्ति को जलील करके हमने अछूत कह। सनातनियों को कायर कहते हैं आप जी? सनातनियों को? हाँ, अगर सनातन की बात आती है और बुजदिल बनकर घर पर बैठ जाते हैं तो वो कायर है। राम की बात आती है और राम के लिए जवान नहीं उठती। संतों की बात आती है, धर्म की बात आती, और अगर कोई बाहर नहीं उठता, मुंह नहीं खोलता, अपनी वाणी नहीं खोलता तो वो बिल्कुल कायर है प्यारे। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि समाज कायर होता जा रहा है हमारा, और आपको इस तरह की बात नहीं, नहीं पड़ रही? जग भी बहुत रहे हैं। हाँ। जग भी तो रहे हमारे जैसे। जगाने से तात्पर्य क्या है आपका? किस तरीके से जगाना चाहते हैं? एकता। क्यों?
आप कहते हैं मैं जाति नहीं मानता, मैं धर्म नहीं मानता, तो आप इंसान को एक कीजिए ना, आप वहां सनातन ही जोड़ देते हैं। सनातन का मतलब कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं, समानातन का मतलब बौद्ध धर्म जिसमें बसो सारे धर्मों को एक करना चाहते हैं। पूरी बात, वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा, हम उस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं जिसके मंदिरों से आवाज निकलती है विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और जो इस चीज को नहीं मानते वो दूसरे धर्म को मानते, अगर वो नहीं मानते तो वो मानव है नहीं है, मानव समाज में रहने के लायक। दूसरे धर्म की बात कर रहा हूँ मैं सर, जो वो अपना पालन धर्म हमारे हैं, सब धर्म हमारे हैं जिसमें मानवता सबसे पहले हमारा उद्देश्य है, मानवता। तो एकता की जरूरत क्यों है? समाज बिखर रहा है क्या आपकी नजर में? बहुत ज्यादा जातिवाद के नाम पर रोटियां सेकी जा रही है श्रीमान, आपको न्यूज नहीं पढ़ रहे आप? नहीं, न्यूज तो कुछ जगह की आती है, उससे पूरे समाज को हम ताना बाना बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। समाजों को एक करना जरूरी है, आप भी न्यूज चलाइए ये काट कर हमारी अलग से, मतलब ताना बाना बिगड़ गया है समाज का। कौन बिगाड़ रहा है समाज का ताना बाना? अब आपकी नजर पर कह दें, नहीं कह दीजिए, जब उसको भी चला देंगे काट। अरे साहब इतने ज्यादा भी नहीं, नहीं चला देंगे आप बोले कौन बिगाड़ रहा है ताना बाना, जिसको एकता की जरूरत पड़ रही है। श्री गणेश हम आप कर रहे हैं, श्री गणेश हम आप हम बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, आप और हम दोनों, तो वही तो मैं कह रहा था कि कुछ भड़काने वाली बात है क्या आपके बयानों से जिससे ताना बाना बिगड़े? नहीं, हम एकता की चर्चा करते हैं, आज भी कह रहे हैं हम मानववादी हैं। सबसे पहले कोई हमसे परिचय पूछे तो हम सबसे पहले मानव हैं, फिर सनातनीय हिंदू हैं, तीसरा हम हिंदुस्तानी हैं, ये हमारा सौभाग्य। चलिए आखिर में मैं गुरुजी, आज का युवा जिसको आप एक करने की बात कर रहे हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे जल्दी से? सभी युवाओं को हम यही कहना चाहेंगे कि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको स्वीकार करता है। सभी युवाओं से कहना है माता पिता और गुरु की बातों पर चलते रहिए, सनातन धर्म का अनुकरण करते रहिए, भारत एकता की ओर बढ़े ताकि अनेकता में जातिवाद में ना बटे और सनातन का उत्थान हो, भारत का उत्थान हो, भारत विश्व गुरु बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी जुड़ने के लिए। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है। इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।